बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है यंग एनालिटिकल साइकोलॉजी या फिर यंग पर्सनैलिटी थ्योरी। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कॉरल रॉजर का नज़रिया। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यंग का नज़रिया। तो ये देखते हैं अपना आज का टॉपिक, कॉरल यंग 1875-1961 ओरिजिनली ट्रेंड विद Work from reading analysis event. Freud and Jung analyzing each other's dreams. Freud showed resistance to Jung's analysis. Freud stopped saying he would lose authority, spend time living in different cultures. अब आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इसने काम कैसे स्टार्ट किया था यंग ने। कार्ल यंग 1875-1961 तहरीर नफ्सी के नज़रियात में फ्राइड के बाद आता है। ठीक है, इसने भी फ्राइड की तरह बिहेवियर की वजाहत अनकॉन्शियस जो लाशरी अमाल थे लाशरी अमाल की बिना पर की, लेकिन इसका तरीका कार जो इसका मेथड था इससे मुख्तलिफ था। अगरचे ये फ्राइड के साथ 1907 से 1913 तक मुंसलिक रहा, उसका जुड़ा रहा, लेकिन इसने इन तीन बुनियादी इख्तलाफात की बिना पर अलग हो गया। ये फ्राइड या फिर पोस्ट फ्राइडियन माहिर नफ्सियात है, और जो इख्तलाफात थे वो ये है, फ्राइड ने जिनसी जबरतों पर जोर दिया था, जैसे कि हमने पहले फ्राइड के नज़रिए में पढ़ा था। ठीक है, और शख्सियत की तश्कील के अहम तरीन अंसर की सूरत में पेश किया था लिबिडो को। फ्राइड के नज़रिए के बुनियाद जहनी मरीजों के अमराज की अलामत की बिना पर रखी गई थी, जो कि आम इंसानों से मुख्तलिफ नौयत की थी। ठीक है, फ्राइड ने फर्द की सिर्फ हयातियाती और अजबियाती तारीख के मुताले में दिलचस्पी ली, जबकि यंग के मुताबिक हयातियाती अजबियाती एहसास के साथ साथ फर्द के अबाव इज्तात की नस्ली तारीख भी जो पर्सनैलिटी की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, इस वजूहत की बिना पर, इस रीज़न की बिना पर इसने 1914 में अपना अलग नज़रिया पेश किया, जिसे यंग का तज्जियाती या यंग एनालिटिकल साइकोलॉजी या यंग एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, मगर इसने अपना नज़रिया फ्राइड की तरह मुनज़्ज़म तरीके से तो पेश नहीं किया, लेकिन अपना नुक्ता नज़र बड़ी कामयाबी से बयान किया है। ठीक है, इसने जो अपना नज़रिया है उसमें इसने जो बताया है बेसिक चीज़ें, ठीक है, उसमें डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये देखते हैं अपना पहला पॉइंट, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी मतलब शख्सियत की हरकतें। यंग भी मुहरकात और इसकी तकमील के बारे में बयान करता है, जो कि हर की नफ्सियात का मौजू है। ठीक है, वो फ्राइड की इस तसव्वुर इसको सेप्ट को बरकरार मेनटेन रखता है कि फ़र्द और माहौल के दरमियान तामल का नाम शख्सियत है, जिसे इसने नफ्स साइकी का नाम दिया। ये ज़िंदगी के सुलह जवाबित जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मुतयन करती हैं। ठीक है, यंग 1948 ने जहन और जहनी अमाल मेंटल प्रोसेस की जगह नफ्स और नफसी अमाल की इस्तेमाल की। इसके नज़दीक नफ्स गैर तिब्बी तौर पर तवनाई हासिल करता है, जो हम हर दम मतगैर रहती है। ठीक है, जो तवनाई हर वक्त काम मतलब तहरीक में रहती है, मतगैर रहती है। ठीक है, इसको इसने नफसी तवनाई लिबिडो का नाम दिया। ये मुख्तलिफ अमाल में ज़्यादा तरक्की हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, और तनज़ुल की तरफ भी। इसकी हैसियत समंदर की लहरों की सी है। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस एंट्रोपी, इक्विवेलेंस मसावात। मसावात से मुराद नफसी तवनाई का रुख गैर अहम अजविया से अहम अजविया की तरफ मुंतकिल करके तवाज़ुन कायम करना, गैर अहम अजविया से अहम अजविया की तरफ मुंतकिल करके तवाज़ुन कायम करना। ठीक है, नफसी तवनाई का रुख। यंग के नज़दीक फ़र्द अपने हर फेल में कुछ ना कुछ तवनाई खर्च करता है, अगर किसी फेल में तवनाई आम हालात से ज़्यादा खर्च हो जाए या कम खर्च हो जाए तो तवनाई ज़ाया नहीं होती, बल्कि शक्ल बदल कर किसी और तरह, ठीक है, मुख्तलिफ मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, इस तवनाई को खर्च करने की तरजीहात बदल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोपी, नाकारगी। इसका ताल्लुक नफसी तवनाई का बालाई सतह से ज़ेरी सतह की तरफ बहाव से है। ठीक है, इसके तहत नफसी अनासर जो कि ताकत के लिहाज से गैर मुसावी होते हैं, मतबादल अजिया में तवाज़न बैलेंस कायम करने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर किसी वक्त फ़र्द की तवनाई मतलब
फ़र्द की जो तवनाई है, शख्सियत की लाशूरी अमाल में मसरूफ़ हो, तो इसका दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे इस तवनाई का बहाव शख्सियत की शोरी पहलुओं की तरफ इस वक्त तक मुंतकिल करता रहेगा जब तक कि जो दीगर पहलू हैं, दीगर पहलुओं की सतह के बराबर ना हो जाए। शख्सियत वसी और लचकदार है, इसका जो जायज़ा है, एनालिसिस है, वो भी लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियत के साथ कॉन्शियस ईगो, पर्सन अनकॉन्शियस एंड कॉम्प्लेक्सिस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड इट्स आर्किटाइप्स। अब यहाँ पर बात हुई है शख्सियत के साथ के, यौंग के नज़दीक शख्सियत जो है, पर्सनैलिटी है, वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं उनका मजमू है, मुख्तलिफ अनासर का मजमू है। ठीक है, इसमें पहला है शौरी अना, यौंग के नज़दीक शौरी अना फर्द के शौरी जहन का नाम है, जो इसके शौरी इदराक या याददाश्त, इसके जो ख्यालात हैं, एहसास से बनते हैं। ठीक है, ज़ात के जिसमें में सबसे अहम किरदार शौरी अना का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सन अनकॉन्शियस एंड कम्प्लेक्सेस। अब इसमें है ज़ाती लाशोर फ़र्द के लिए ऐसे तजुर्बात पर मुश्तमिल है जो कभी फ़र्द के शोर का हिस्सा। तो सेकेंड हमारे पास है पर्सन अनकॉन्शियस एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पर बात हुई कि ज़ाती लाशोर फ़र्द के लिए ऐसे तजुर्बात पर मुश्तमिल है जो कभी फ़र्द के शोर का हिस्सा थे, लेकिन किसी वजह से या तो भुला दिए गए या नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। ठीक है, या दबाए गए हैं, या इतने कमज़ोर और गैर अहम हो गए हैं कि इन्हें शोर में नहीं लाया जा सकता। ठीक, बल्कि अना ईगो और इज्तमाही लाशोर के दरमियान, मतलब जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस था, ठीक है, उसके दरमियान रह जाते हैं, इससे बाहर आ जाता करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब फर्द के नज़दीक यौंग के नज़दीक ज़ाती लाशोर फ़र्द का निजी मामलात तजर्बात से मुतलिक होता है। ठीक है, ये इक्तसाबी है, इसलिए हर फ़र्द चूँकि मुख्तलिफ हालात वाक़ से गुजरता है, इसलिए हर फ़र्द का ज़ाती लाशोर हमेशा मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड इट्स आर्किटाइप्स। अब जहाँ पर बात हुई है इज्तमाही लाशोर, इसके असासे नक्कूशी, ठीक है, फ़र्द के लाशोर में पाए जाने वाले वो अनासे जो नस्ली तजर्बात की बुनियाद पर या उसकी बिना पर पैदा होते हैं, इज्तमाही लाशोर कहलाते हैं। फ़र्द के अनकॉन्शियस में पाए जाने वाले वो अनासे जो नस्ली तजर्बात की बुनियाद पर, उसकी बेसिक पर पैदा होते हैं, उसकी वजह से पैदा होती हैं, इज्तमाही लाशोर कहलाती है। इसको इसी बिना पर नस्ली रेसल अनकॉन्शियस भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की इकसाम या फिर शख्सियत की इकसाम। द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस रेफर्स टू आर शेयर्ड इनहेरिटेड रिसर्वर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसिस विद इन ऑल ह्यूमन बींग्स अनकॉन्शियस माइंड्स। अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर, एवरी पर्सन साइकी इज टाइड टू द कलेक्टिव अनकॉन्शियस ड्यू टू आवर शेयर्ड हेरिटेज। वी शेयर अ सेट ऑफ कॉमन सिंबल्स एंड आर्किटाइप्स विच सीमिंगली स्पैन कल्चर्स एंड एडल्ट। यौंग के मुताबिक हर इंसान पदाशी तौर पर चंद खास खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स या किसी फील्ड में अपनी तबीयत की रुगबतें लेकर आता है, जो इसे बुनियादी अफ़ाल अदा करने में मदद करते हैं। जब से इंसान पैदा हुआ, इसे माहौल से मुताबिक सैर करना पड़ती है। ठीक है, हर दौर के शख्स को आबो हवा, इक्तसादी हालात, ठीक है, सोशल सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिचुएशंस और हादसात वगैरह का सामना करना पड़ता है, सामना करना पड़ा भी और अपना वक्त गुजारा। ठीक है, यौंग नज़दीक इनके ये तजुर्बात इनके बनने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि इनके आने वाले नस्ल में मुंतकिल रहते हैं। ठीक है, इज्तमाही लाशोर ज़ाती शोर का उल्टा। ठीक है, ज़ाती शोर तो इंफादी नौयत का होता है और हर एक का अलग अलग होता है जो ज़ाती शोर होता है, लेकिन जो कलेक्टिव होता है अनकॉन्शियस, ये लाशोर मुशतरक होता है। ठीक है, इसकी हैसियत अफाक होती है, वो रिखाना नस्ल मज़हब पर मुहित होता है। ठीक है, इज्तमाही लाशोर गैर चरमदार है। ठीक है, इर्तका के ज़रिए पाए जाने वाले और साफ़ खामिया मिलनात वचनात जो के तो मतलब इसमें मुंतकिल होते हैं, ये महरूसी नफ्स है। ठीक है, इज्तमाही लाशोर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला तो इजनाज इस्बात और इब्तदाई मारूकात से मुतलिक है, ये हिस्सा ज़ाती लाशोर के करीब है, जिस पर एक हद तक अक्ल फहम इस्तेमाल की जा सकती हैं, जबकि दूसरा हिस्सा इंसानी फहम से वाला तरह। ठीक है, इज्तमाही लाशोर शख्सियत के साथ की बुनियाद है।
योंग ने इनके बारे में कहा था, आर्चीटाइप के बारे में या अकाशी नकोश के बारे में, अकाशी नकोश की तरह बहुत ज़्यादा बयान किए योंग ने, जिनमें कई तो इसने दरियाफ्त कर लिए, कई अभी तक गैर दरियाफ्त शुदा हैं। इसने अपने अकाशी नकोशी जिन्हें इसने शनाख्त किया वो माँ बच्चा या इसमें जो फेमस आर्चीटाइप की टाइप थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स में आर्चीटाइप्स आर यूनिवर्सल सिंबल्स एंड क्रिएटेड टाइप फाउंड अक्रॉस कल्चर्स, कॉमन जोंगियन आर्चीटाइप्स इंक्लूड द हीरो एंड द मदर। द हीरो एंड द मदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, अक्सर आपको बीए में बीएस में टीचर्स क्लास में प्रैक्टिस भी सीख पाते हैं, प्रैक्टिकल में भी आते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आर्चीटाइप हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये ड्रीम की है, जो जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं उन्होंने ड्रीम्स का एनालिसिस किया, ठीक है। फ्रॉइड ने ड्रीम्स लॉन्ग बिलीव ड्रीम्स प्रोवाइड अ विंडो इनटू द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अब योंग ने योंग इस बात पर बिलीव कर रखता था, उसका इस बात पर बिलीव था कि जो ख्वाब होते हैं ये विंडो होते हैं हमारे इज्तमाई लाशर के। उसने अपने क्वेश्चन पर काम किया ताकि वो मालूम कर सके लोगों की जो ख्वाब हैं उनकी अलामतें और उनकी तस्वीरें, ठीक है। बेसिक टाइप्स इसके नज़दीक योंग के नज़दीक योंग ने बुनियादी हैसियत की चार इकसाम बयान की थी, ठीक है, जिसमें था सेल्फ, शेडो, एनिमस या फिर एनिमा पर्सना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है नंबर वाइज, थोड़ी हमने चेंज कर दी है सीक्वेंस, हमने पहले लिखे सेल्फ, आवर फीलिंग्स ऑफ होलनेस एंड यूनिटी, आवर सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर पर्सनैलिटी, आवर आइडेंटिटी। अब यहाँ पर बात हुई है सेल्फ की, ज़ात की। ज़ात हम पहले ही बहुत डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद मैं थोड़ा सा बताती हूँ। चलो, ज़ात शख्सियत का सबसे अहम पहलू है, ये इसका मरकज़ा है और इस बात की कोशिश करती है कि इसके तमाम पहलुओं को जगजा करे, इनमें रब इनमें कनेक्शन पैदा करके वाहिद की शक्ल में दूसरों के सामने पेश करे, ठीक है। हर फर्द उम्र बढ़ के कोशिश करता रहता है कि ज़ात बेहतर से बेहतरीन हो, ताकि हम ज़ात की तकमील के लिए नफ्स के दीगर तमाम पहलू मुकम्मल तौर पर पुख्ता होने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ज़ात जो सेल्फ है नशोनुमा पाली की डेवलपमेंट होती है चली जाती है, फ़र्द का शोर अना पुर इनसार इंडिपेंडेंट कम होता चला जाता है, ठीक है, और शख्सियत की वादत निखरती चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमासार एनिमा, मतलब तस्वीरें नर तस्वीरें जन, ठीक है। द मैस्कुलाइन साइड ऑफ वुमेन आर द फेमिनिन साइड ऑफ मैन। इन असासी नकोश की बुनियाद ये तस्वुर है कि हर फर्द में ख्वाह वो लड़की हो या फिर लड़का, वो जिन्सियत मर्द बाई सेक्सुअलिटी की खसूसियात पाई जाती हैं। हर मर्द में हयातियाती जिन्सी इख्तलाफात के बावजूद सन नाजुक की चंद खसूसियात पाई चंद खसूसियात पदाई से ही पाई जाती हैं। इसे इसने तस्वुर जन एनिमा कहा, ये मर्द में जनाना सिफात के पाए जाने से मुतल्लिक है, ठीक है। और इस तरह हर औरत में मर्दों से हयातियाती जिनसी इख्तलाफात के बावजूद बास मर्दाना उसाफ भी पाए जाते हैं। इन खूबियों को योंग ने तस्वुर नर या फिर एनिमस कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोना। पर्सोना द आर्टिफिशियल फोन सेल्फ दैट वी शो टू अदर्स, आवर पब्लिक सेल्फ दैट कन्फॉर्म्स टू सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, द पर्सनैलिटी मास्क दैट वी वेयर इन पब्लिक। अब जब क्या होता है पर्सनैलिटी मास्क होता है, मतलब हम जो पब्लिक में शो करते हैं जैसा अपने आप को, ठीक है, पब्लिक बेस पर जैसा अपने आप को शो करते हैं। नेक्स्ट वन पर शेडो, योंग कंसीडर दैट शेडो टू बी अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज़ द डार्क रूल ऑफ अस दैट कंटेन्स एनिमल्स अर्ल्स एंड फीलिंग्स ऑफ इंसिडेंटी। अब यहाँ पर शेडो मतलब साया या परछाई कह सकते हैं, इसकी बात हुई शख्सियत का बोकर जो हिवानी जबरतों शर्मनाक ख्वाहिशात गुनाह आलूदा ख्याल काबिल नफरत इकदार और दीगर गैर समाजी हिस्सा पर मुश्तमिल है परछाएँ कह रहा था। शख्सियत का तारीख डार्क पहलू है, ठीक है। फर्दोजमा ज़िंदगी में ख्वाहिशात पर अमल नहीं करता, इसका किरदार रोग के पर अक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टाइप्स, यहाँ पर एक्स्ट्रोवर्ट है एंड इंट्रोवर्ट दो टाइप्स हैं, ठीक है। योंग ने 1934 में ये बयान किया कि हर एक शख्सियत में दो तरह के रवैये जात पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स, थिंकिंग एनालिटिकल स्ट्रेटजिक प्लान्स इम्प्लीमेंट्स
एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं बैरोन बीन, ठीक है, इंट्रोवर्ट ये है दरोन बीन, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट कॉन्टेम्पलेटिव, डिस्कवरिंग, थ्योरेटिकल, सीक सेल्फ नॉलेज, फीलिंग सोशल एंड सेंटिमेंटल, सोशल सक्सेस सीकर्स, एनिमेटिक, सीक इनर इंटेंसिटी, नेक्स्ट सेंसेशन, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्लेयर सीकिंग, वाइल इंट्रोवर्ट इंटेंस ऑब्सेसिव डिटैच्ड एक्सपर्ट, नेक्स्ट इंट्यूशन एडवेंचर्स इनोवेटिव सीक्स नोवेलिटी, परपोज चेंज वाइल इंट्रोवर्ट आइडियलिस्टिक विजनरी मिस्टिकल अलो। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स की बयान हुई है इनकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो टाइप्स हमने तो यहाँ पर देखे हैं, ठीक है, मतलब थिंकिंग में क्या होता है, थिंकिंग में ख्वास हम जो हमारे हवास हैं, ठीक है, सेंसेशन है हमारे हवास हमसा के ज़रिए एशिया का इधर इस वक्त तक नाम कमल रहता है जब तक इनका मायने और तफहीम से शनासाई पैदा ना की जाए, ठीक है, एशिया को मायने पहनाना और फिर इनको इनकी मायने की रोशनी में समझना सोच का महीने में एफर्ट का प्रयास करता है, नई चीज़ों के बारे में मालूम हासिल करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फीलिंग, इसमें क्या होता है किसी शेयर की खुशगवारी और नाखुशगवारी की कदर जांचने का नाम है, ठीक है। तो फक्र से मायने एक हद तक हासिल होते हैं क्योंकि वो जज्बाती पहलुओं का अता नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंसेशन, सेंसेशन मतलब इसी खारजी माहौल से इब्तदाई बकवियत हवास के जरिए की जाती है, हवास कमता इसे बुनियादी हैसियत देती है, इनके जरिए फुर तजर्बात के बारे में मालूम बड़े ठोस अंदाज में हासिल करता है। नेक्स्ट है इंट्यूशन मतलब वजदान, हकीकत और रिश्ते के बानवी ताल्लुक के बिलवास्ता इब्ता का नाम है, इस वक्त इस्तेमाल होती है जब हकीकत फैक्ट कुछ पहलू फर्द की रसाई से बाहर हों, ठीक है, हवास तफक्कुर और एहसास के ज़रिए से भी इनका मुताला किया नहीं जा सकता। बैरून बीन तो खारजी माहौल का मुताला करके बसीरत और तफक्कुर की मदद से तकलीफात करता है, लेकिन दरून बीन अपनी रूह और जहन का बढ़ते कुवत के साथ रबा जोड़ लेता है जैसे सूफी उलमा मशायख करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेरिजन बिटवीन फ्राइड एंड शॉन्ग थीरीज, अब हम देखते हैं थोड़ा करते हैं इनका एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा तजिया कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, थोड़ा मुआवजा कर लेते हैं फ्राइड और यांग की थीरी के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, नेचर ऑफ अनकॉन्शियस मोटिवेशन तहरीक, अनकॉन्शियस मतलब लाशूर और सेल्फ जात सिस्टम, ठीक है, शख्सियत का निज़ाम, ठीक है, ये पॉइंट्स हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यांग आर स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड मेमोरीज स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल्स एंड आवर सेंट्रल पार्ट, वाइल अकॉर्डिंग टू फ्राइड द स्टोर हाउस ऑफ अनएक्सेप्टेबल रिप्रेस्ड डिजायर्स स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर डिफरेंस बताया है इसकी थी इनके नज़रियात का जिन्होंने पेश किए थे मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू यांग मोटिवेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यांग के नज़दीक मोटिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं, वाइल फ्राइड थियरी इज़ बेस्ड ऑन मोटिवेशन। नेक्स्ट अनकॉन्शियस, यांग गेन द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाइल इन फ्राइड थी देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस इन यांग थी पर्सनल कॉन्शियस वाइल इन फ्राइड थी इज अनकॉन्शियस फ्राइड थी स्ट्रेस ऑन अनकॉन्शियस। नेक्स्ट है सेल्फ, अकॉर्डिंग टू यांग सेल्फ कॉन्सेप्ट इज वाइटल इम्पोर्टेंट क्रूशियल, यांग के नज़दीक सेल्फ मतलब ज़ात का जो तसव्वुर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइल अकॉर्डिंग टू फ्राइड देर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, जबकि फ्राइड के नज़दीक सेल्फ कॉन्सेप्ट की कोई अहमियत नहीं। नेक्स्ट सिस्टम, यांग डिवाइड पर्सनैलिटी इंटू टू टाइप्स, यांग ने पर्सनैलिटी की दो अकसाम बयान की हैं, वाइल अकॉर्डिंग टू फ्राइड देर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक यांग, यांग की तरह फ्राइड ने कोई एक्साम शख्सियत इसी एक्साम का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा लिबिडो मतलब नफसी तवानाई का डिफरेंस भी था, फ्राइड के नज़दीक जींस यानी लिबिडो सबसे बड़ी कुव्वत है जो कि फ़र्द को हर तरह के फाल किरदार करने पर मजबूर करती है, जबकि जो यांग था यांग ने लिबिडो के लिए इसे नफसी तवानाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि सबसे नकुश बनाने से लेकर हर फेल में ये तवानाई इस्तेमाल होती है जो इंसानी बगा की नशनुमा करती है, ठीक है। इसके बाद ड्रीम का भी था थोड़ा, फ्राइड के नज़दीक फॉर्मर ख्वाब हमारी नासुदा आरजुएं तमन्नाओं जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं विशेज़ होती हैं विशेज़ को लामती तौर पर पेश करती हैं
और जबकि अकॉर्डिंग टू जोंग योंग के नज़दीक ये अनकॉन्शियस मतलब कलेक्टिव अनकॉन्शियस की नुमाइंदगी करते हैं, ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी का भी थोड़ा डिफरेंट था, फ्राइड ने शख्सियत की इकसान नहीं की, ठीक है। जोंग ने कहा कि रवैये शख्सियत को मुतयन करते हैं, ठीक है, और रवैये हर फर्द में पाए जाते हैं। सिस्टम जोंग ने शख्सियत को दो हिस्सों में मुंतकिल किया, ये हमने पहले पढ़ लिया, जबकि फ्राइड में इस किस्म का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। ये था हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर। जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।